नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उचाहार एक्सप्रेस के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ जंक्शन के बीच में रोजाना ट्रेन चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है उचाहार एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अब अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उचाहार एक्सप्रेस ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ जंक्शन के बीच में रोजाना ट्रेन है, डेली ट्रेन है, और इसका ट्रेन नंबर है 14217। ये जो ट्रेन है प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ जंक्शन की जो दूरी है 19 घंटे 15 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 40 स्टेशन हैं। 890 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 46 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ICF कोचेज वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है, और इसका ट्रेन नंबर मैं आपको दोबारा बता दूं, जो कि है 14217। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये प्रयागराज संगम इलाहाबाद से स्टार्ट होती है, फिर प्रयागराज जंक्शन में पहुंचती है, फिर यहाँ से होते हुए उचाहार जंक्शन के थ्रू ये कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है, कानपुर सेंट्रल से होते हुए शिकोहाबाद, टुंडला, अलीगढ़ होते हुए दिल्ली में पहुंचती है। दिल्ली के बाद ये कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट होते हुए चंडीगढ़ जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें उचाहार एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा आगे वो प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो उचाहार एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी का कोच है, जिसका प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ तक का टोटल किराया है 2950 रुपये, जिसमें 2750 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 141 रुपये है, टोटल चार्जेस 2950 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच भी हैं। सेकंड एसी का प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ तक का टोटल किराया है 1580 रुपये, जिसमें 1454 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 76 रुपये है, टोटल किराया 1580 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। थर्ड एसी के कोच भी हैं, जिसका प्रयागराज संगम से चंडीगढ़ तक का जो टोटल किराया है वो है 1105 रुपये, जिसमें 1012 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 53 रुपये है, और टोटल चार्जेस 1105 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तकरीबन 8 स्लीपर क्लास के कोच हैं, जिसका टोटल किराया जो है 410 रुपये है, जिसमें बेस फेयर है 390 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, टोटल चार्जेस 410 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों के तकरीबन 6 कोच हैं, 4 कोच जो हैं इंजन की तरफ लगाए गए हैं और 2 कोच पीछे की तरफ हैं, जिसका टोटल किराया 240 रुपये के करीब है। ये किराया आप रेलवे टिकट काउंटर से जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। बाकी अन्य किराए भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं प्रयागराज संगम उत्तर प्रदेश से चंडीगढ़ जंक्शन तक चलने वाली उचाहार एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। उचाहार एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज संगम से रोजाना चलती है, और इसका ट्रेन नंबर है 14217। प्रयागराज संगम से रोजाना ये ट्रेन जो है दोपहर के 2 बजे चलती है एक नंबर प्लेटफॉर्म से, और 19 घंटे 15 मिनट बाद यह चंडीगढ़ जंक्शन में पहुंचती है, और इसके तकरीबन 40 स्टेशन से 890 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:15 पर पहुंचती है, और 2:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कानपुर सेंट्रल प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर डेली क्रॉसिंग होती है, और तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। फाफामाऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 2:31 पर पहुंचती है, और 2:32 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रामचौरा रोड उत्तर प्रदेश में दोपहर के 2:51 पर पहुंचती है, और 2:52 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रामचौरा रोड के बाद लाल गोपालगंज में पहुंचती है दोपहर के 3 बजे, और 3:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कुंडा हरनामगंज में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:14 पर पहुंचती है, और 3:16 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। गढ़ी मानिकपुर उत्तर प्रदेश में
दोपहर के 3:30 पर पहुंचती है और 3:31 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 64 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। पर्यावरण कलंकर रोड में ये ट्रेन जो है दोपहर के 3:40 पर पहुंचती है और 3:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 71 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उचाहार एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उचाहार जंक्शन में पहुंचती है। उचाहार एक्सप्रेस का नाम ही उचाहार के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 3:56 पर पहुंचती है और 4 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलालपुर ढाई रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:17 पर पहुंचती है और 4:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 100 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। दलमाऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 4:33 पर पहुंचती है और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लालगंज उत्तर प्रदेश में शाम के 4:58 पर पहुंचती है और 5 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। लालगंज के बाद रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:16 पर पहुंचती है और 5:18 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 140 किलोमीटर की दूरी जो है ये प्रयागराज संगम से कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उचाहार एक्सप्रेस ट्रेन जो है तकिया रेलवे स्टेशन पे शाम के 5:37 पर पहुंचती है और 5:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बीगापुर उत्तर प्रदेश में शाम के 5:51 पर पहुंचती है और 5:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उन्नाव जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:51 पर पहुंचती है और 6:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद कानपुर सेंट्रल में ये ट्रेन जो है शाम के 7:35 पर पहुंचती है और 7:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। रूरा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 8:27 पर पहुंचती है और 8:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद झींझक रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में उचाहार एक्सप्रेस ट्रेन जो है रात के 8:45 पर पहुंचती है और 8:46 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 275 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। झींझक के बाद ये ट्रेन जो है फाफूंद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 9:09 पर पहुंचती है और 9:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद भरथाना रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 9:40 पर पहुंचती है और 9:41 पर वहां से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 331 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। भरथाना के बाद ये ट्रेन जो है इटावा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:58 पर पहुंचती है और 10 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आम्रपाली एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। शिकोहाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 10:55 पर पहुंचती है और 11 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रात के 11:18 पर पहुंचती है और 11:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 426 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:52 पर पहुंचती है और 11:57 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 442 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। हाथरस रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 12:38 पर पहुंचती है और 12:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। अलीगढ़ जंक्शन में रात के 1:05 पर पहुंचती है और 1:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। गाजियाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 3:05 पर पहुंचती है और 3:07 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। साहिबाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 3:17 पर पहुंचती है और 3:19 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन या ओल्ड दिल्ली जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 4 बजे पहुंचती है और 4:15 पर वहां से रवाना हो जाती है।
इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। 9 या 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद उचाहर एक्सप्रेस ट्रेन जो है दिल्ली के नरेला रेलवे स्टेशन पे सुबह 4:45 पे पहुंचती है और 4:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 674 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा के पहले स्टेशन सोनीपत जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5 बजे पहुंचती है और 5:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर गोवा संपर्क क्रांति और जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस के साथ अलग अलग दिनों पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद हरियाणा के गन्नौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर सुबह 5:15 पे पहुंचती है और 5:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 706 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। गन्नौर के बाद ये ट्रेन जो है समालखा रेलवे स्टेशन हरियाणा में पहुंचती है सुबह 5:28 पे और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहां पर मालवा एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन हरियाणा में पहुंचती है सुबह 5:55 पे और 5:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। प्रयागराज संगम से यहां तक की जो दूरी है 736 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। करनाल रेलवे स्टेशन हरियाणा में सुबह 6:24 पे पहुंचती है, 6:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 770 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन हरियाणा में सुबह 6:51 पे पहुंचती है और 6:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 803 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है शाहबाद मरकंडा में सुबह 7:10 पे पहुंचती है और 7:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। अंबाला कैंट जंक्शन में सुबह 8:22 पे पहुंचती है और 8:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 6 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है UMB। इसके बाद उचाहर एक्सप्रेस ट्रेन जो है प्रयागराज संगम से चलकर अपने आखिरी स्टेशन चंडीगढ़ जंक्शन में सुबह 9:15 पे पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 908 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपने कभी भी उचाहर एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं अपना एक्सपीरियंस भी इस ट्रेन में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।